या इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं जिनकी ड्राइविंग स्किल्स बिल्कुल जीरो होती है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे ड्राइवर्स भी होते हैं जिनकी ड्राइविंग स्किल्स देखने के बाद तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जैसे ये ड्राइवर पहाड़ों पर एक पतली सी सड़क पर अपनी गाड़ी को ड्राइव करके ले जा रहा है, जिसमें कार के नीचे झांकने पर 300 फीट गहरी खाई दिखाई देती है, लेकिन फिर भी ये ड्राइवर ऐसी सड़कों पर भी अपनी कार को ड्राइव करके ले जा रहा है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के कुछ ऐसे मोस्ट टैलेंटेड ड्राइवर्स दिखाऊंगा जिनका टैलेंट देखने के बाद तो आप भी हैरान हो जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, मोस्ट टैलेंटेड ड्राइवर्स इन द वर्ल्ड। गाइस, पहाड़ों पर जो रोड होते हैं वो रोड दुनिया के मोस्ट डेंजरस रोड्स में से एक होते हैं, क्योंकि पहाड़ों की सड़कें कहीं पर तो ठीक होती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इतनी ज्यादा डेंजरस होती हैं कि उस जगह पर तो गाड़ी को ड्राइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे ड्राइवर्स भी हैं जो कि ऐसी सड़कों पर भी गाड़ी को आसानी से ड्राइव करके ले जाते हैं। ऐसे ही आप ऐसे टैलेंटेड ड्राइवर को देख लीजिए जो कि पहाड़ों पर एक पतली सी सड़क से अपनी बस को मोड़ लेता है। ऐसी सड़कों पर किसी भी छोटी से छोटी गाड़ी को भी मोड़ना बहुत ही ज्यादा रिस्की रहता है, लेकिन ये ड्राइवर तो इतनी बड़ी बस को ही यहाँ से मोड़ लेता है। इस बस के पीछे के पहिए बिल्कुल ही खाई में होते हैं। यहाँ पर अगर ड्राइवर से एक भी चूक हो जाती है तो ये बस सीधा गहरी खाई में जाके गिरेगी, लेकिन ये ड्राइवर अपनी स्किल से बस को यहाँ से मोड़ ही लेता है। अब गाइस, नेक्स्ट है टू व्हील्स कार ड्राइव। गाइस, आपने कार को चार पहियों पर ड्राइव होते हुए तो हमेशा ही देखा होगा, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे टैलेंटेड ड्राइवर्स भी हैं जो कि अपनी कार को टू व्हील्स पर भी ड्राइव कर लेते हैं, और ये टू व्हील्स पर ड्राइव करने के साथ साथ अपनी गाड़ी में और भी नए नए कारनामे कर सकते हैं। जैसे इसी कार ड्राइवर को देख लीजिए जो कि अपनी कार को टू व्हील्स पर ड्राइव करके ले जा रहा है। ड्राइव करते करते ये ड्राइवर अपनी कार के टायर भी चेंज कर लेता है और ड्राइविंग साइड से खिड़की खोलकर कार से बाहर भी निकल आता है, और साथ ही इस ड्राइवर के फ्रेंड्स भी कार के बाहर बिल्कुल ही निडर होकर बैठे होते हैं। गाइस, अगर आप मेले में गए हो तो मेले में बॉल ऑफ डेथ में होने वाले स्टंट्स को तो आपने जरूर देखा ही होगा, जिसे हम मौत का कुआं भी बोलते हैं। इसमें सभी ड्राइवर्स एक से बढ़कर एक टैलेंटेड होते हैं जो कि इसमें अपने टैलेंट का प्रदर्शन भी करते हैं। इसके अंदर घूमने वाली कार और बाइक से ये लोग ऐसे ऐसे स्टंट करके दिखाते हैं जिसे एक नॉर्मल ड्राइवर को करना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होगा। ये ड्राइवर से सर्कल में घूमते हुए भी अपने बाइक या कार का हैंडल ही छोड़ देते हैं, और उसे छोड़ने के बाद भी ये अपने स्टंट को परफॉर्म करते हैं, जिसमें आप इस कार और बाइक के स्टंट को देख सकते हैं, जिसमें कार से निकलकर ड्राइवर अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा है और कार के पीछे बैठी लड़की ने एक बाइक राइडर को पकड़ा है। ये ड्राइवर्स ऐसे ऐसे स्टंट करके दिखाते हैं जिन्हें देखते हुए लगता है कि भाई इनसे ज्यादा टैलेंटेड ड्राइवर्स तो कोई हो ही नहीं सकते। अब गाइस, इन्हीं टैलेंटेड ड्राइवर्स को देख लीजिए जो कि अपनी कार को इतनी स्पीड से लेकर आते हैं कि ब्रेक मारने के बाद इनकी कार पीछे से ही उठ जाती है, और किसी भी कार से ये स्टंट परफॉर्म करना भी इतना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ ड्राइवर्स ऐसे स्टंट को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। जैसे इसी इंडियन ड्राइवर को देख लीजिए जो कि अपनी वैन को हाई स्पीड में चलाते हुए लेके आता है और ब्रेक मारने के बाद ये कार पीछे से पूरी तरह से ऊपर उड़ जाती है। इसे देखते हुए तो ऐसा लगता है मानो कि ये कार पलट जाएगी, लेकिन ये टैलेंटेड ड्राइवर अपनी कार को पलटने नहीं देता है। अब गाइस, क्या आपके दिमाग में कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आया है कि दुनिया में कोई ऐसा ड्राइवर भी होगा जो कि पानी के ऊपर भी गाड़ी को ड्राइव कर सके? अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन आया है तो दुनिया में कुछ ऐसे ड्राइवर्स भी हैं जो कि पानी के ऊपर भी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। जैसे ऐसी मॉन्स्टर ट्रक के ड्राइवर को देख लीजिए जो कि पानी के ऊपर अपनी गाड़ी को ड्राइव करके ले जा रहा है। ये पानी गहरा होने के बाद भी ये कार पानी के अंदर नहीं डूबती है, बल्कि पानी के ऊपर ही तैरती चली जाती है। अब गाइस, दुनिया में जितने भी ड्राइवर्स होते हैं उन सभी को ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है, उसके बिना कोई भी व्यक्ति गाड़ी या कार को ड्राइव नहीं कर सकता है। और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ड्राइविंग स्कूल जाना पड़ता है, जहाँ पर आपको अपनी ड्राइविंग स्किल्स को दिखाना होता है। लेकिन इस बात को शायद ये ड्राइवर कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गया, जो कि एक बड़े से हैवी ट्रक को ऐसे ड्राइव करता है मानो कि इतना बड़ा ट्रक ड्राइव करना तो इसके बाएं हाथ का खेल हो। जैसे जैसे ऑफिसर से बोलते हैं ये वैसे वैसे इस ट्रक को ड्राइव करता जाता है। अब गाइस, नेक्स्ट है, यहाँ पर बहुत सारे ट्रक ऐसे होते हैं जिनकी लंबाई कम होती है, लेकिन उन्हीं में से कुछ ट्रक ऐसे भी होते हैं जिनकी लंबाई बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन यूएस में ड्राइव होने वाले कुछ ऐसे ट्रक्स भी होते हैं जिनके पीछे चार और कंटेनर्स लगे होते हैं। ये ट्रक देखने में बिल्कुल ही ट्रेन की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इस लॉन्गेस्ट ट्रक को रोड ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रक इतना ज्यादा लंबा होता है जिसे एक टर्न लेने में ही कई घंटों लग जाते हैं। अब गाइस, इन्हीं टैलेंटेड स्टंट्समैन को देख लीजिए जिनका टैलेंट देखने के बाद तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। जहाँ पर नीचे से एक प्लेन फ्लाई करके जाता है और उसके ऊपर से एक व्यक्ति बाइक से स्टंट करता है और उसी के ऊपर एक व्यक्ति केबल के ऊपर चल रहा होता है, अगर ये स्टंट परफॉर्म करते समय प्लेन में कोई भी गड़बड़ हो जाती तो शायद यहाँ पर इन तीनों की जान जा सकती थी। अब गाइस, ऐसी टैलेंटेड ड्राइवर को देख लीजिए जो कि अपनी कार को इतने गहरे खड्डे में घुसा रहा होता है जिसे देखते हुए ऐसा लगता है मानो कि ये कार इस खड्डे में नहीं जा पाएगी, लेकिन इस कार को ड्राइव करने वाला व्यक्ति इस खड्डे से भी कार को निकाल लाता है। गाइस, अपने वीडियो के इस
स्टार्टिंग में ही बात की थी कि पहाड़ों पर जो रोड होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं, ऐसे रोड पर ड्राइव करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और उससे भी ज्यादा डेंजरस काम होता है। इसी पतले से रोड पर दो बसें आमने सामने से आ रही हो, इन दोनों बसों को देखते हुए ऐसा लग रहा है मानो कि शायद ये बसें अब यहाँ से नहीं निकल पाएंगी। लेकिन ये टैलेंटेड ड्राइवर्स तो हर जगह ही काम आते हैं। ये दोनों ड्राइवर्स इस पतली सी रोड से अपने बस को ऐसे निकाल कर ले जाते हैं मानो कि ये तो इनके लिए बहुत ही इजी काम हो। नेक्स्ट है जेसी टॉलर। ये दुनिया के एक ऐसे टैलेंटेड ड्राइवर है जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जेसी टॉलर के नाम फास्टेस्ट स्टॉपी और लॉन्गेस्ट स्टॉपी का वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। इन्होंने एक समय में दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट स्टॉपी को कम्प्लीट किया। आपने बहुत सारे बाइक के स्टैंड ऐसे देखे होंगे जिसमें आगे के पहिए को उठाकर राइडर्स चला रहे होते हैं, लेकिन टॉलर ने बाइक के पिछले पहिए को उठाकर लॉन्गेस्ट और फास्टेस्ट स्टॉपी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट है पैरेलल पार्क वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऐसे अपने गाड़ी को पार्क करने के बहुत सारे तरीके देखे होंगे, लेकिन शायद एलिस्टर मॉफर्ट जैसे ड्राइवर्स आपने शायद पहले कभी नहीं देखे होंगे, जो कि अपनी कार को दो कारों के बीच में कुछ ऐसे पार्क कर देते हैं और इन दोनों कार्स में एक खरोच तक नहीं आती है। वैसे गाइस आपको इन सभी टैलेंटेड ड्राइवर्स में से सबसे बेस्ट टैलेंटेड ड्राइवर कौन सा लगा ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।